स्वच्छता प्रधानों को जिम्मेदार देंगे तो वो जिम्मेदारी देंगे तो वो उनको कैसे कैसे रोक दिया जाएगा, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह उठेगा। ये तो है ही नहीं कि प्रश्न चिन्ह उस पर नहीं उठेगा, प्रश्न चिन्ह उस पर उठेगा। तो आज की तारीख में तो कोई और कोई अच्छा सजेशन दो आप दो तो हम तो उसको भी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन मच फेयर सिस्टम है कि ड्रॉप पे निकल जाए, क्योंकि भाग्य पे दुनिया निर्भर है, भाग्य पे इंसान निर्भर है। तो इसलिए आई थिंक इट इज नॉट इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। सर हम लोग 80 पर तो इनकम टैक्स पे ही है और ढाई तक हमने वो रखा है गरीब की, अभी 2 लाख हो जाएगी इसलिए इनकम टैक्स का। तो यार इनकम टैक्स यही का भी प्रमाण पत्र माना जाना चाहिए या नहीं? आप भविष्य बताओ कि 1,80,000 की जगह 2 लाख आप कर रहे हैं तो 1,80,000 भी है। सब चीजें है ये जो पॉलिसी मेकिंग का है, ये पॉलिसी मेकिंग मैं अकेला नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। और ये चूंकि इश्यूज जो पार्टी लाए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, इस इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना है कि वो क्या क्राइटेरिया रखती है। What special and specific efforts can be made, which act politically, socially, economically? देखिए सबसे पहला जो effort है वो हर महिला हर बच्ची पढ़ी लिखी, जब पढ़ी लिखी बच्ची होगी घर में, जब पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसको सोचने की समझने की निर्णय लेने की क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है। तो सबसे बड़ा इशू यही है कि बच्चियों को अधिक से अधिक पढ़ाया जाए और बच्चे में और बच्ची में अभिभावकों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, उनको बराबर का दर्जा दे के चलना पड़ेगा। बल्कि मैं एक बार बोल देता हूँ कि जब लड़की की शादी खर्च करते हैं और उस समय इंसान ये सोचता है कि मेरी बच्ची अच्छे से अच्छे घर में जाए, और 95% 99% हर अभिभावक ये चाहता है कि उसके क्षमता से ज्यादा उसमें खर्च करे। तो जब शादी के टाइम पर खर्च करने के सोचता है तो उसको पढ़ाई के टाइम पे भी यही